हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रामीण विकास के टॉपिक को लेकर। कल हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित योजनाओं को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें कुछ योजनाओं को जैसे बेरोजगारों को लेकर और साथ ही किसान को लेकर वहां पर जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, शिक्षा को लेकर जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, हमने उनको पढ़ लिया था। आज हम यहां पर कुछ अन्य योजनाओं को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें गरीब लोगों के यहां पर कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए और कुछ अन्य विविध पक्षों से संबंधित योजनाओं को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की ये सारी योजनाएं हैं, क्षेत्र आपका लिखा है, वर्ष लिखे हैं, योजना है और यहाँ पर उसके उद्देश्य हैं। सबसे पहले जो योजना है वो है आपकी गरीब और महिलाओं से संबंधित ये योजनाएं हैं। समय आपका 2017 से 2020 का समयकाल है। योजनाएं इसमें एक एक करके हम देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या यहाँ पर उद्देश्य था। जैसा हम पहले भी कहते आए हैं, हम योजनाओं को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर इसका उद्देश्य आपकी परीक्षाओं के संदर्भ से है, जहाँ पर योजनाएं उनके उद्देश्य, जारी करने वाले समय और साथ ही किस क्षेत्र से संबंधित हैं, उसी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उन्हीं को अध्ययन करते हैं। पहली योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। कौन सी? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये योजना किस लिए बनाई गई थी? ये योजना बनाई गई थी महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार और मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह योजना बनाई गई। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा समस्या बनी रहती है, शिक्षा को लेकर ज़्यादा अवसर में नहीं मिलते हैं और कई बार वहाँ पर इसके कारण एक मानसिक तौर पर एक निगेटिविटी इम्पैक्ट कर जाती है, बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ कहते हैं मानसिक तौर पर, वहाँ पर ग्रोथ उनका बहुत नहीं होता है। तो इस तरीके से उन्हें एक मानसिक सकारात्मक माहौल प्रदान किया जा सके और साथ ही उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाया जा सके, इसलिए ये योजना प्रारंभ की गई, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। दूसरी योजना है उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना। तीन तलाक का मुद्दा आया था, यहाँ पर इसको कानून के माध्यम से पारित कर दिया गया। इससे योजना के अंतर्गत 6000 रुपये अनुदान व पढ़ी लिखी महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद की जाएगी। अर्थात तीन तलाक होने के पश्चात ऐसी पीड़ित महिलाओं को यहाँ पर जो है 6000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा, साथ ही यहाँ पर यदि महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो उनको स्वरोजगार उत्पन्न किस तरीके शुरू किया जा सकता है, को अपने कोई रोजगार उन्हें उत्पन्न किए जाए या स्वयं वो कोई रोजगार करना चाहती हैं तो उसके लिए उनको यहाँ पर मदद की जाएगी। तो ये हमारी योजना का नाम है उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो मुख्यमंत्री, इसी तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी देखी गई थी और ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसमें क्या है, राज्य के नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस उपचार दिया जाएगा। कितने का? 5 लाख का, वो भी कैशलेस उपचार। किनको? राज्य के नागरिकों को। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा राज्य के नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर कैशलेस यहाँ पर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है झटपट बिजली कनेक्शन योजना। मतलब फटाफट जल्दी से आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए हो तो उसके लिए भी योजना लेकर बताइए आ गए हैं। कौन सी योजना है? APL परिवार के लिए भैया 100 रुपये है और BPL परिवार के लिए 10 रुपये में बिजली का कनेक्शन यहाँ पर मिलेगा। APL परिवार के लिए 100 रुपये में, BPL परिवार के लिए 10 रुपये में। APL परिवार के लिए 100 रुपये में, BPL परिवार के लिए 10 रुपये में बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। किस योजना के तहत? झटपट बिजली कनेक्शन योजना। कौन सी? झटपट बिजली कनेक्शन योजना में। नेक्स्ट है दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना। शादी होनी बहुत ज़रूरी है, यहाँ किसी की भी हो तो यहाँ पर सरकार, राज्य सरकार ने इसका भी देखिए यहाँ पर ख्याल रखा है और उन्होंने कहा है कि दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना और इसके तहत 35,000 रुपये का योगदान राज्य सरकार कर रही है। ठीक है, तो दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 35,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। एक और योजना लेकर आई गई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भी यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए का यहाँ पर योगदान किया जाएगा। कितना? 35,000 रुपए को प्रत्येक जोड़े को यहाँ पर दिया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में। अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है,
दो योजनाएं हैं, शहरी भी है ग्रामीण भी है। शहरी 2022 तक का लक्ष्य है कि सभी को यहाँ पर आवास उपलब्ध कराना, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास यहाँ पर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ग्रामीण इलाकों में सभी को यहाँ पर आवास प्रदान किया जाएगा। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। इसके अलावा नेक्स्ट योजना है गरीब महिला संबंधी योजनाएं हैं, और 2017 से 20 के दौरान ही हैं। यहाँ पर अगली योजना है बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त बस यात्रा। किनके लिए? बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त बस यात्रा है भाई। तो यहाँ पर 1 करोड़ बीपीएल परिवारों के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा। क्योंकि देखिए बीपीएल परिवार में बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर उनके पास गुजर बसर का बहुत समस्याप्रद होती है, कोरोना के इम्पैक्ट के कारण उनकी हालत और भी यहाँ पर ख़राब होती है। तो यहाँ पर एक अच्छी योजना है, यहाँ पर 1 करोड़ बीपीएल परिवारों के लिए राज्य परिवहन में बसों की मुफ्त यात्रा की सुविधा राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। एक अच्छी योजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर विधवा पेंशन योजना। तो यहाँ पर विधवा पेंशन योजना के तहत क्या किया जाएगा? बीपीएल परिवारों की विधवा महिलाओं को 300 रुपये प्रतिमाह का पेंशन मिलेगा। किनको? बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं को। कितना? 300 रुपये प्रतिमाह। 300 रुपये प्रतिमाह बीपीएल परिवार की महिलाओं को विधवा पेंशन मिलेगी। यहाँ पर योजना का नाम विधवा पेंशन योजना है। नेक्स्ट है विकलांग पेंशन योजना। ठीक है, तो यहाँ पर दिव्यांग कहते हैं, विकलांग कहते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए भी योजना प्रारंभ की गई है कि 18 वर्ष की उम्र से अधिक के 40% से ज़्यादा विकलांगता वाले विकलांगों के लिए 500 प्रतिमाह पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से ज़्यादा। कितने परसेंट विकलांग होना चाहिए? 40 या उससे ज़्यादा। कितना वेतन आपको पेंशन मिलेगा? 500 रुपये प्रतिमाह। किस योजना के तहत? विकलांग पेंशन योजना के तहत। नेक्स्ट कौन सी है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ठीक है, कौन सी? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें किया जाएगा युवाओं के लिए ऋण योजना है ये। तो यहाँ पर युवाओं को अगर ऋण की सुविधा चाहिए हो तो वहाँ पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया गरीब और महिलाओं से संबंधित योजनाओं को। देखिए रिवीजन ज़रूर करना है, मैं अपनी यहाँ पर ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से यहाँ पर इतनी सारी योजनाओं को मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन इतनी यह सारी योजनाएं फिर आपको हो सकता है कि आपको याद करने में भी दिक्कत हो, इसलिए डेली बेसिस पर यहाँ पर योजनाओं को देखना है, याद करना है। बिना याद किए इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, 50 से 100 योजनाएं हैं, और इनको सबको याद ही करना पड़े। तो डेली वाले यहाँ पर हर वीडियो के हिसाब से योजनाओं को निकाल लो, टॉपिक वाइज निकाल लो, और उनको वहाँ पर पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम आने तक ये आरंभ से आपको यदि आप डेली पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं विविध क्षेत्र से संबंधित राज्य सरकार की योजनाएं। यहां पर 2017 से 20 के दौरान कुछ अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित कुछ योजनाएं रह गई हैं जो मिसलेनियस टॉपिक से हैं। पहली है भाग्य लक्ष्मी योजना। भाग्य लक्ष्मी योजना किस क्षेत्र के लिए है, किनके लिए है? बीपीएल परिवार की मां को कन्या के जन्म के पश्चात 55,100 रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो बीपीएल परिवार में यदि कोई कन्या जन्म लेती है तो वहाँ पर उस महिला को 55,100 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपना और बच्ची का भरण पोषण कर सके। किस योजना के तहत? भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत। दूसरा देखिए मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास इसमें क्या है? नवविवाहित जोड़े को परिवार नियोजन किट दी जाएगी। ठीक है, मिशन परिवार विकास के अंतर्गत आपको यहाँ पर नवविवाहित जोड़े को परिवार नियोजन किट आपको उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है लोक कल्याण मित्र योजना। कौन सी योजना? लोक कल्याण मित्र योजना किसके लिए है? लोक कल्याण मित्र योजना देखते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए लोक कल्याण मित्रों की भर्ती होगी। ठीक है, हम हमेशा जानते हैं कि भारत सरकार योजनाएं बहुत बनाती है, राज्य सरकार योजनाएं बहुत बनाती हैं, लेकिन लोगों के पास ये योजनाएं पहुंचती ही नहीं हैं, कई बार जानकारी नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वो अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नई योजना खुद ही बना ली उन्होंने, लोक कल्याण मित्र योजना, जिसमें लोक कल्याण मित्रों की भर्ती की जाएगी ताकि उनकी योजनाओं तक लोगों तक पहुँचा सकें। और देखते हैं
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना। इसमें क्या किया जाएगा? बॉर्डर साझा करने वाले, किसका बॉर्डर? राज्यों का बॉर्डर साझा करने वाले। गांवों में मूल सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई जाएगी। कहां पर? ऐसे गांव जो किसी राज्य के साथ बॉर्डर सीमा साझा कर रहे हों। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना के तहत। अगली योजना देखते हैं, गौ ग्राम योजना। कौन सी? गौ ग्राम योजना। इसमें क्या किया गया है? किसानों को भटकी हुई गायों से होने वाले नुकसान से बचाना। किसानों को क्या होता है, कई बार जानवर जो होते हैं भटक जाते हैं, गाय हैं और भी बहुत सारे जंतु पशु होते हैं, तो वो आपकी फसलों को ख़राब कर सकते हैं, किसानों को नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि गौ ग्राम योजना चलाई जाएगी, जिसमें किसानों को भटकी हुई गायों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। और कौन सी योजना बची है और देख लेते हैं, जन सुनवाई एंटी करप्शन पोर्टल। अब शासन से संबंधित योजनाएं भी बनाई गई हैं, जन सुनवाई एंटी करप्शन पोर्टल। यहां पर क्या किया गया, लोगों को भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए, अर्थात यदि आपको प्रशासन में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार का पता चलता है कहीं पर भी, तो आप उसको शिकायत कर सकते हैं। किस पोर्टल पर? जन सुनवाई एंटी करप्शन पोर्टल पर। वेरी गुड। नेक्स्ट, हौसला पोषण योजना। कौन सा? हौसला पोषण योजना। इसमें क्या किया गया है? नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के पोषण की व्यवस्था की गई है। किसके किसके लिए? नवजात शिशुओं के लिए और गर्भवती महिलाओं के पोषण की व्यवस्था की गई है हौसला पोषण योजना के तहत। नेक्स्ट, कर्मयोगी अभियान। कौन सी? कर्मयोगी अभियान। इसमें क्या किया गया? राज्य कर्मचारियों को बेहतर सरकारी सेवाओं को प्रदान करने को इस योजना में प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या करना है? राज्य कर्मचारियों के द्वारा बेहतर सरकारी सेवाओं को प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन। किस योजना के तहत? योजना को एक बार देख लेते हैं, कर्मयोगी अभियान। कर्मयोगी अभियान में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महाकुंभ योजना। सॉरी, इसके पहले, हाँ, उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महाकुंभ योजना। जब महाकुंभ लगा था तो वहां पर 2019 की बात है, तो वहां पर क्या किया गया था, 22 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित यहां पर योजना लेकर आई गई। कितने? 22 करोड़ पेड़ का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद 15 मिनट में पुलिस एवं एम्बुलेंस सेवा। तो 15 मिनट में भैया आपको यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा बोला गया है कि आपको पुलिस सेवा भी मिल जाएगी, एम्बुलेंस सेवा भी मिल जाएगी। हम इस तरीके से क्रिया पद्धतियाँ स्थापित करेंगे, इस तरीके से हम चीज़ों को डेवलप करेंगे कि यहाँ पर आपको पुलिस और एम्बुलेंस 15 मिनट में आप तक पहुँचाई जा सकें। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काफ़ी सारी योजनाएं यहां पर बनाई गई थी 2017 से 2020 के दौरान, यहां पर सरकारों के द्वारा। और इस तरीके से मैंने यहां पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार से संबंधित यहां पर 2020 तक की योजनाओं को पढ़ा दिया है। अब आपका काम है कि इन्हें पढ़ना, रिविज़न करना और रटना, याद करना। रटने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको यहां पर कोई ट्रिक नहीं है आप इनको याद कर सकें। बहुत सारी योजनाएं हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पर आप इन्हें बांट सकते हैं और डेली कुछ ना कुछ योजनाओं को, 5 योजनाएं या 10 योजनाओं का टारगेट रखिए, उनको याद करिए और फिर उसके बाद उनको रिविजन करिए, जब तक आपको इन सभी योजनाओं की क्लैरिटी वहां पर ना मिल जाए, ताकि परीक्षा में आने पर आप यहां पर किसी भी प्रकार की योजना से संबंधित क्वेश्चन को गलत करके ना आए। मेरा काम हो गया, मैंने अपनी यहाँ पर ड्यूटी को पूरा किया। अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है कि आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसे अच्छे सभी योजनाओं को यहाँ पर कवर करिए। ग्रामीण विकास की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण विकास के अंतर्गत मैंने लगभग सभी टॉपिक आपको कवर कर दिए हैं। अब विविध के अंतर्गत यदि कोई टॉपिक मुझे मिलेगा, यदि कोई टॉपिक मुझे लगता है अभी शेष रह गया है, या मुझे लगता है कि ये भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाना चाहिए और इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो वो भी मैं एक या दो वीडियो में उनको भी करा दूंगा और आपका ग्रामीण विकास का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, रिवीजन करना है, ताकि आप यहाँ पर ग्रामीण विकास से संबंधित सभी क्वेश्चन वहाँ पर करके आएँ और उत्तर प्रदेश विशेष से भी संबंधित यहाँ पर आप क्वेश्चन जो भी मैंने पढ़ाए हैं उनको भी एक भी गलत होने नहीं चाहिए।
तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है, चाहे यूपी स्पेशल हो, ग्रामीण विकास हो, और बाकी अदर टॉपिक भी अच्छे से करना है। आपके जो टॉपिक रह गए हैं वो सब आपको मिल रहे हैं, तो एक सामंजस्य बनाइए, सिलेबस बनाइए, उनको पढ़िए और उनका अध्ययन करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगर कुछ रह गया है विविध के टॉपिक में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।